अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी चैनल में खुश आमदीद है। आज मैं आपको टिकटॉक के बारे में जो समात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बारे में आपको खबर दूंगा। दरखार गुजार ने मौका अख्तियार किया कि पीटीए ने 9 अक्टूबर को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर टिकटॉक पर पाबंदी आयद की और वाज़े हुक्म जारी किए बगैर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए पाबंदी लगाई। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि पीका एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत आर्जी मोतली का कोई तसव्वुर नहीं। पीटीए ने ना वफाफी हुकूमत ना काबीना से मंजूरी ली और पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा पीटीए को टिकटॉक पर पाबंदी ख़त्म करने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि टिकटॉक है क्या। इस पर वकील ने बताया कि ये सोशल मीडिया पर प्रमोटिंग और शेयरिंग की एक ऐप है। अदालत ने कहा कि कौन ये फैसला करेगा कि ये मवाद गैर अखलाकी है और ये गैर अखलाकी नहीं। क्या पीटीए ने कोई ऐसा रूल बना रखा है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा रूल्स फ्रेम नहीं है। अदालत ने पीटीए को 90 दिन का वक्त पहले दिया था। चीफ जस्टिस ने इस्तखारा की सिक्योरिटी के पस मंज़र में तो पाबंदी नहीं लगाई गई, इस तरह तो पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। ये तो नहीं कि मोटरवे पर क्राइम हो और पूरी मोटरवे बंद कर दी जाए। अदालत ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पीटीए को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर पीटीए के सीनियर अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत